हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ टेक्निकल ज्ञान के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी पर काफी काम करते होंगे, आप काफी अच्छी क्वालिटी में वीडियोस को रिकॉर्ड करते होंगे, पर कभी भी आपने अपनी ऑडियो क्वालिटी पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, जिसके कारण क्या होता है आपकी वीडियो में जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आ जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से ही अपने वीडियोस की बैकग्राउंड नॉइस को हटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने है, इसका नाम है लेक्सस ऑडियो एडिटर। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, पहला वाला लिंक, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें। तो ये खुलते ही आपको ऐसा इंटरफेस सा देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी ऑडियो फाइल को यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी ऑडियो जो यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और इफेक्ट्स में जाना है, और यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा नॉइस रिडक्शन पर क्लिक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ ऑडियो का नॉलेज है तो आप इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है, तो मैं सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे इस ऑडियो का वेव फॉर्म चेंज हो चुका है। तो अगर आपकी वीडियो ऑडियो में ज़्यादा नॉइस है तो आप फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर से इफेक्ट्स में जाकर एक बार फिर से नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग तो आप अगर एक बार करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 बार नॉइस रिड्यूशन करने से आपकी जो ऑडियो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इस तरह से नॉइस को रिड्यूस करने के बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपनी जो ये ऑडियो है इसकी नेम कुछ लिख देना, जो भी आप नेम रखना चाहें, और डन पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको फॉर्मेट में MP4A ले लेना है, क्योंकि MP3.MP3 भी है लेकिन आप उसे नहीं ले सकते, उसके लिए आपको इस ऐप को पैसे देने पड़ते हैं, परचेस करना पड़ता है। तो आप M4A ले लीजिए, ये फाइल भी आपके MP3 की तरह कहीं पर भी इंपोर्ट हो जाएगी आसानी से। तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है, तो ये जो फाइल है आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अब हमारी जो ऑडियो उसमें से बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ये नहीं पता है कि अपने वीडियोस में से ऑडियो को सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में आपको ऑडियो इंपोर्ट करना है ना कि वीडियो, तो आप वीडियो टू MP3 कन्वर्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जैसे इस ऐप को खोलेंगे तो ऐसा आपको नजर आएगा, तो आपको यहाँ वीडियो टू ऑडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपनी वीडियो फाइल को ले लेना है, जो भी आप जिसकी आप ऑडियो सेपरेट करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये वाला वीडियो है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कन्वर्ट भी क्लिक करना है, तो आपका जो वीडियो है वो MP3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप उसे वहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए और उसका बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर दीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए, साथ साथ में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।